पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले देश की राजनीति में एक बार फिर मैसूर के सम्राट टीपू सुल्तान की एंट्री हो गई है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले टीपू सुल्तान के नाम पर अब दो धर्मों के लोग आपस में लड़ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख ने कहा कि मुंबई में बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर होगा। इस बात का विरोध करते हुए बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़क पर उतर कर देश में कई जगहों पर टीपू सुल्तान के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। बता दें, बजरंग दल और भाजपा के नेताओं का कहना है कि हम ऐसे व्यक्ति के नाम पर मैदान का नाम नहीं रखने देंगे जो बड़ी संख्या में हिंदुओं की मौत के लिए जिम्मेदार है। इस तरह पांच राज्यों में चुनाव से पहले एक बार फिर टीपू की एंट्री भारतीय राजनीति में हो गई है।